अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष सरकारी अस्पताल में हरियाणा की होनहार बेटी के साथ बलात्कार की घटना का कड़े शब्दों से निंदा करते हुए कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केवल कागजों तक सीमित है। असल में बीजेपी के मंत्रियों व नेताओं को बेटी शब्द का एहसास ही नहीं है, इसलिए सरकार में जितने अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं उससे देश की और प्रदेश की महिला डरी सहमी लग रही है। अभय सिंह चौटाला ने पीड़िता से भी मुलाकात की, कहा कि उसके साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान की बलात्कार में फर्क है, ऊपर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को ये बयान देना शोभा नहीं देता। अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है, साथ ही इस मामले की कार्रवाई फास्ट ट्रैक के माध्यम से करवाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को कोई व्यक्ति अंजाम ना दे सके। लड़की बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, अब भी उसको ये लगता है कि मेरे इस सारे इशू की वजह से कल को मेरे माँ बाप को कोई मार देगा, कोई उनको थ्रेट करेगा, मतलब ज्यादा डरी हुई है। लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा रही। मुख्यमंत्री का जो आज का बयान है वो एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है, देता तो किसी इंसान के लिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति प्रदेश का सबसे जिम्मेवार व्यक्ति माना जाता है। और वो अगर ये कहे कि बलात्कार बलात्कार में फर्क है, तो मेरी ख्याल है इससे ज्यादा छोटी सोच हो नहीं सकती। और जिस ढंग से इस बच्ची के साथ मतलब कुक्रम हुआ, जिस ढंग से इसके साथ बर्ताव किया गया, तो बहुत ज्यादा निंदनीय है। इस पे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जरूरत है कि ये बच्ची फिर से अपने रूटीन में आए, लाइफ की रूटीन में आए, और उन लोगों ने जिन्होंने जिंदगी के लिए सरकार को उनके साथ जल्द उनको अरेस्ट करना चाहिए और इस इशू को फास्ट ट्रैक में ले जाकर, सर अभी भी दोनों इस फास्ट ट्रैक पे ले जाकर के उन लोगों के खिलाफ एक महीने में ऐसा फैसला कोर्ट से लिया जाए जिससे और कोई व्यक्ति आने वाले टाइम में इस तरह की दरिंदगी करने से पहले 100 दफा सोचे। पुलिस की जो जिम्मेवारी होती है, हमारे यहाँ पुलिस को नपुंसक बनाने का काम सरकार ने किया। हमारी पुलिस जो बहुत इफेक्टिव थी, लोगों में पुलिस का एक दबदबा होता था, लोग डरते थे, भय मानते थे। पुलिस का मतलब लोगों की सुरक्षा करना, बदमाशों में भय पैदा करना। अगर लोगों के अंदर विश्वास नहीं होगा, बदमाश को डर नहीं होगा, तो फिर मान करके चलो सारा सामाजिक सिस्टम बिगड़ जाएगा। आज की तारीख में ये चीज हो रही है, हमारी पुलिस को पंगू बना दिया। पुलिस के अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अपने होटलों में बुलाकर बदतमीजियां की, मारपिटाई करी, उनकी पुलिस के लोगों की सुनवाई ना करके एमएलए को बचाने की कोशिश की। आज उसी का नतीजा है कि पुलिस को इस बात का डर रहता है कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें, कल को बजाय हमें इस बात के लिए शाबाशी देने के, हमें प्रोत्साहित करने के, हमारे खुद के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा, हमारे साथ मारपिटाई होगी। तो मान के चलो जब पुलिस के साथ ऐसा होगा तो फिर पुलिस किसी भी कीमत के ऊपर किसी पे हाथ जल्दी से नहीं डालेगी। जनता पार्टी के लोगों की इस तरह की भाषा पहली दफा नहीं है। अनेक इनके मंत्रियों ने, अनेक इनके सांसदों ने, अनेक इनके विधायकों ने इस किस्म की भाषा का प्रयोग किया है। ये वो लोग हैं जिनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि बेटी चीज क्या होती है। इन्होंने अभियान तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ चलाया, लेकिन बेटी का एहसास शायद इनको नहीं है। अब इनको इस बात से सबक लेनी चाहिए, बेटी का एहसास समझना चाहिए।